हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रैवल एजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करके आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, आपके ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के लिए, कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल एजेंसी जो आप रन कर रहे हैं उसकी लीड्स आए, जिन भी टूर पैकेजेस में आप डील कर रहे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा आपको लीड्स मिले, तभी आप उन लीड्स पे आपकी सेल्स टीम उनसे बात करेगी, उनको कन्वर्ट करेगी, आपके पास रेवेन्यू आएगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर ट्रैवल एजेंसी। ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जो सबसे नंबर वन मेथड है वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है गूगल नंबर वन सर्च इंजन है। किसी को भी कुछ भी सर्च करना है तो वो गूगल पे जाते हैं। अगर इवन किसी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन उनको लेनी है, होटल बुक करना है, पैकेजेस की इंफॉर्मेशन लेनी है, पैकेज बुक करने हैं, या वहां की जो ट्रैवल एजेंसीज है उनके उनको लाइक नंबर चाहिए या कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, जो एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे फॉर एग्जाम्पल किसी को जाना है गोवा टूर पैकेजेस, गोवा जाना है, दिल्ली से गोवा जाना है, कुछ भी हो सकता है, ये उनको गोवा जाना है, केरला जाना है, अंडमान जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, मालदीव जाना है, तो आप देखेंगे टॉप पे यहां पे आपको एड दिखेगी स्पॉन्सर्ड, जैसे ये एड है यहां पे दिखेगी। इस तरीके से यहां पे दो तीन चार एड होती है, बेसिकली चार एड ऊपर होती है और चार ही एड यहां पे बेसिकली नीचे होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो जैसे ही आप यहां पे कोई भी सर्च क्लिक करेगा, जैसे ही एड पे दिखेगा तो सर्च करेगा, वहां पे सर्च करने के बाद जैसे ही जो एड दिखेगी उन पे क्लिक करेगा, ये एड है, और इसके बाद जो आते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जो सर्चेस है मंथली गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, इसके मंथली सर्चेस है 2400 सर्चेस है, गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली विद फ्लाइट 260 मंथली सर्चेस है। तो इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब यूजर के माइंड में क्या पता क्या चल रहा हो, कहाँ से वो लाइक सर्च कर रहा है। अब गोवा टूर पैकेजेस कोई मुंबई से सर्च कर रहा है, कोई कोलकाता से सर्च कर रहा है, कोई कहीं से सर्च कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक कीवर्ड हो जाता है। और उसी तरीके के बहुत सारे लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो वो एक नंबर बन जाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितने जो यूजर है वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। अब उन कीवर्ड्स पे आपने देखा कि एक सर्च किया कि हाँ भाई मुझे इन इन कीवर्ड्स पे मुझे एड रन करनी है, तो वो आपने एड रन की, वहां पे एड रन की, और यहाँ पे जैसे इस तरीके से लैंडिंग पेज हो जाता है, यहाँ पे जो मोस्ट सेलिंग पैकेजेस है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये बेसिकली लैंडिंग पेज, आप इससे भी बहुत अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है, यहां से क्या होता है, ये इनबाउंड मार्केटिंग है, लोग खुद सर्च करके आ रहे हैं। जिसने गोवा जाना है वो गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली सर्च करेगा और यहाँ पे इस तरीके से सर्च करके आएगा, वो खुद से सर्च कर रहा है चीजें, तो ये वो यहाँ पे आएगा आपकी वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे जाएगा, इंक्वायरी फिल करेगा या आपसे कॉल करेगा, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी की लीड्स होती है, यहाँ पे कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो आप कर सकते हैं, गूगल एड्स के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है SEO। जैसे ही मैंने सर्च किया था गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, अब जैसे आपने वेबसाइट तो क्रिएट कर लिया, आपकी वेबसाइट है, वहां पे सारे टूर पैकेजेस आपने अपलोड कर दिए, वहां पे सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद अब आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब कुछ गूगल एड में हम क्या करते हैं, गूगल को पे करते हैं उन कीवर्ड्स पे अपनी एड को टॉप रिजल्ट्स में दिखाने के लिए। SEO क्या होता है, SEO में हम अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं ताकि वो हमारी टॉप रिजल्ट्स में आए, जैसे गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन भी टूर पैकेजेस में आप डील करते हैं, कुछ होंगे जो डिफिकल्ट होंगे रैंक करना, पर कुछ होंगे जिनको रैंक करना इजी होता है, तो आप उन कीवर्ड के साथ जा सकते हैं। तो जैसे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एड के बाद जो ये बाकी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑर्गेनिकली है, ये पे नहीं कर रहे गूगल को यहाँ पे शो करने के लिए। देखो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये 21 गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे जो एस्टिमेट विजिट्स हैं मंथली वो अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब है, यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा है यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सर्चेस देख सकते हैं सर्चेस में, और मंथली विजिट्स देख सकते हैं इन पेजेस पे कितने हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं गूगल सर्च इंजन में। आप
मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल फ्रेश है, या वहां पे आपने एसईओ पे फोकस नहीं किया, वहां पे अभी मंथली के 1,000 विजिटर्स भी नहीं आ रहे आपकी वेबसाइट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले आप टारगेट लगा सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे 1,000 विजिटर्स कैसे आएंगे, फिर 10,000 विजिटर्स कैसे आएंगे, 1,00,000 विजिटर्स कैसे आएंगे, या इससे ज्यादा विजिटर्स कैसे आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना एक जो एसईओ का प्लान है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज में मैं कंप्लीट एसईओ का प्लान भी बताऊंगा, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ प्लान को सबसे पहले तो डिफाइन करना है कि आपको कहां तक जाना है, कितनी आपको विजिटर्स चाहिए मंथली, किस तरीके से ग्रो करना है आपको आपकी वेबसाइट को। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप एसईओ किस तरीके से आपको करना है, फिर ये आप अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, तो आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर लो अपकमिंग वीडियोस के लिए। और इसके अदर देन आ जाता है फिर, जैसे हमने दो टॉपिक्स पे बात कर ली, गूगल एड्स और एसईओ, सारा खेल हमारा ट्रैवल लीड्स पे है। मार्केटिंग हम कर रहे हैं ट्रैवल लीड्स जनरेट करने के लिए, हाई क्वालिटी आपके पास लीड्स होनी चाहिए। ट्रैवल लीड्स पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे, जैसे आप सर्च करेंगे ट्रैवल लीड्स यूट्यूब पे आपको मेरी ही वीडियोस दिखेंगी। देखो यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट 19 वीडियोस आपको मेरी ही दिखेंगी, तो आप यहाँ पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। जिस भी डेस्टिनेशन की आपको डोमेस्टिक इंटरनेशनल जहां की भी लीड्स की रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। सारा खेल ट्रैवल लीड्स का है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं ट्रैवल लीड्स को जनरेट करने के लिए, क्वालिटी की ट्रैवल लीड्स हमारे पास आ जाए, अच्छी ट्रैवल लीड्स हमें मिले। तो ये है, तो सबसे पहले हमने गूगल एड की बात की, फिर एसईओ की बात की, अब बात करते हैं यूट्यूब मार्केटिंग की। यूट्यूब पे अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं किया अपनी कंपनी के नाम से, तो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। वहां पे डेस्टिनेशन से रिलेटेड जितनी वीडियोस हो सकती है आप उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। उस डेस्टिनेशन में फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होटल्स है, कौन कौन सी लोकेशन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, बेस्ट टाइम क्या है, जो कस्टमर आप जा रहे हैं उनकी कुछ वीडियोज हो गई, उनके फीडबैक वीडियोज हो गई। ये इस तरीके से आप अपना एक YouTube चैनल मैनेज कर सकते हो, और आप देखेंगे कि आपको वहां से भी बहुत अच्छी लीड्स मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं भी जैसे यहां पे शेयर करता रहता हूं, जैसे मनाली आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हिमाचल B2B की बात करते हैं, हिमाचल B2B, जैसे हिमाचल B2B की कोई सर्च कर रहा है तो आपको मेरी वीडियोस दिखेंगी, क्योंकि हम हिमाचल के बेस्ट B2B पार्टनर है, इनमें डील हम करते हैं। हमने आप देख सकते हैं 40 वीडियोस मैंने हिमाचल B2B पार्टनर पे बना रखी है, और यहाँ से फिर जो कुछ ग्रुप भी लेके जाते हैं हम जो हिमाचल में मनाली में, तो उन वीडियोस को देखते हैं, और इस तरीके से वो फिर ग्रुप की इंक्वायरीज भी आती है कि जो 50-60 लोगों का 100 लोगों का ग्रुप होता है वो भी कहते हैं कि हमें भी आपके साथ ट्रैवल करना है, या हमारा पूरा मैनेज आप करो। तो इस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल मैनेज कर सकते हो, यूट्यूब पे आप एड भी रन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपके यूट्यूब से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई यूट्यूबर है या ट्रैवल ब्लॉगर है, या इस तरीके से जो है जो ट्रैवल में इंटरेस्ट रखता है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो क्या होते हो कि उनकी एक ऑलरेडी फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारे भी जो आपका टूर पैकेजेस है उनकी आप वीडियोज क्रिएट करो। अब वो आपकी कंपनी से वीडियोज क्रिएट करेंगे, कंपनी से वीडियो क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा कि उनके जो सब्सक्राइबर है, जो फॉलोवर है, उनको आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में पता चलेगा, और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड ट्रेवल्स है, अभी मैं इनके साथ भी मार्केटिंग में इनकी हेल्प कर रहा हूं, गोल्ड ट्रेवल्स जो कंपनी है वो है लक्षद्वीप और अंडमान के टूर पैकेजेस में, लक्षद्वीप और मालदीव्स के टूर पैकेजेस में बेसिकली ये डील करती है। देखो ये यहाँ पे BLTM, इन्होंने ट्रैवल ट्रेड शो में भी पार्टिसिपेट किया था, स्टॉल लगाई थी, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ये स्टॉल लगा रहे हैं। तो जैसे ही आप फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे लक्षद्वीप टूरिज्म या लक्षद्वीप पैकेजेस से रिलेटेड आप करेंगे, तो आप यहाँ पे जितनी भी वीडियोज देखेंगे ना, जितने भी आप ये वीडियोस देखेंगे लक्षद्वीप टूर पैकेजेस, लक्षद्वीप टूर ट्रैवल, ये देखो आपको पता होगा, ये कृतिका गोयल, ये डिस्टेंस बिटवीन, तो ये बहुत सारे जो है जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उनसे कांटेक्ट किया हुआ है। कोई भी लक्षद्वीप से रिलेटेड सर्च करता है यूट्यूब पे, या सर्च करता है आपका सर्च करता है यूट्यूब पे सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है,
तो बेसिकली इनकी ही वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। देखो जैसे ये वीडियोस हो गई, तो इन्होंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने आपका लाइक लक्षद्वीप एक्सप्लोर किया। तो ये बेसिकली होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को कॉन्टैक्ट करके उनसे टाई अप कर सकते हो, उनको लाइक ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं उनकी। तो यहाँ से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि इनको मिल रहे हैं गोल्ड ट्रेवल्स को मिल रहे हैं लक्षद्वीप में। अब ये प्लान कर रहे हैं लाइक मालदीव्स के लिए भी इसी तरीके का करने का, कि मालदीव्स में लोगों को भेजो जो इन्फ्लुएंसर है, वहां पे वीडियोस क्रिएट करो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और एट द एंड कि हाँ भाई अगर आपको मालदीव जाना है, लक्षद्वीप जाना है, तो आप गोल्ड ट्रेवल से कॉन्टेक्ट करो। तो इस तरीके से आप इस मेथड को भी अपना सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है ब्रांडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और यहाँ से लीड भी जनरेट होती है। यहाँ पे आप लाइक फेसबुक पे आप रील्स भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे रील शेयर कर सकते हैं। आप मेरे साथ फेसबुक इंस्टा पे कनेक्ट हो गए तो आपको पता चलेगा कि वहां पे मैं भी रेगुलरली, अभी केदारनाथ हम गए थे, वहां की बहुत सारी रील्स मैं शेयर कर रहा हूँ। वीकेंड ग्रुप टूर्स में भी मैं लाइक के साथ जाता रहता हूँ, तो वहां पे रील्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जब किसी डेस्टिनेशन के बारे में आप कॉन्टेंट क्रिएट करते हो तो वहां पे लोग उसको देखते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डेस्टिनेशन की, उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इस तरीके की फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, सबसे पहले तो आपको अपना फेसबुक पेज मेंटेन करके रखना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैनेज करके रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद आप ऐड भी रन कर सकते हैं वहां पे। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो कि वहां पे पोस्ट जा रही है, आपकी रील्स जा रही है, कस्टमर फीडबैक वीडियोस जा रही है, कस्टमर वीडियोस जा रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने मैनेज कर लिया, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज को देखता हूँ कि 5-5, 6-6 महीने से उनके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं होती। तो ये एक सही नहीं है। जो भी आपकी लीड्स आएगी, जो भी लीड्स आ रही है, वो सबसे पहले क्या देखती है, सबसे पहले वो वेबसाइट पे जाएगी, गूगल रिव्यूज चेक करेंगी, फेसबुक पे जाएगी, इंस्टा पे जाएगी। जब उन्हें लगेगा कि यार फेसबुक इंस्टा पे 6-6 महीने से कुछ पोस्ट नहीं किया, तो वो एक डाउट में आ जाएगी कि ये कंपनी है भी या नहीं भी। तो आपको रेगुलरली अपडेट रहना चाहिए इन चीजों को लेके। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड रन कर सकते हैं। उसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट तो देखो लाइक बहुत जबरदस्त चीज है मार्केटिंग में। कुछ भी हम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एट द एंड कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। डेस्टिनेशन पे जाके उस डेस्टिनेशन का कंटेंट क्रिएट किया, यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर से। तो एट द एंड हमें कंटेंट मार्केटिंग पे तो फोकस करना ही चाहिए। और हम अगर मार्केटिंग की अगर बात करें तो कंटेंट आपको उस डेस्टिनेशन तक क्रिएट करना ही है। उस डेस्टिनेशन की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अब फॉर एग्जांपल मुझे जाना फॉर एग्जांपल मालदीव जाना, अब मुझे मालदीव ऐसे कस्टमर मुझे नहीं पता वहां की नॉलेज, कैसे जाना होता है, कब जाना होता है, बेस्ट टाइम कौन सा है, कौन कौन से होटल्स है वहां पे, वाटर विलाज वगैरह है, कुछ वीडियोज देखिए, पर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या रेट होता है, किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के प्राइजेस क्या क्या है। ये इतने सारे हर डेस्टिनेशन पे, सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे नहीं, ये हर डेस्टिनेशन पे ये यूजर के क्वेश्चन होते हैं। वीजा के बारे में क्वेश्चन हो गए, अगर इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन हो गए, क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से जाना है, पैकिंग में क्या क्या लेके जाना है, वेदर कैसा होता है, लैंग्वेज कैसी होती है, करेंसी कैसी होती है। इतने सारे यूजर के माइंड में क्वेश्चन होते हैं। आप खुद से सोच के देखो कि आपको जिस डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपको जाना है इजिप्ट जाना है, अब वहां का नहीं पता तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको मनाली के बारे में जानना है, शिमला के बारे में जानना है, गोवा के बारे में जानना है, तो उनको आपको बेशक आपको वो इन्फॉर्मेशन पता हो, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, उन डेस्टिनेशन की जितनी ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कंटेंट क्रिएट करें, कंटेंट मार्केटिंग करें। इससे आपके बहुत जबरदस्त मार्केटिंग होने वाली है। यूज इसी, जितना ज्यादा जो कंटेंट है जो ट्रैवल इंडस्ट्री में जनरेट करता है यूजर, मेरे को नहीं लगता कि किसी और इंडस्ट्री में जनरेट करता है। घर से निकलने से लेके जब तक घर में नहीं आ जाता तब तक वो पिक्स वीडियोस रील्स बनाता रहता है, शेयर करता रहता है। इसको बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो यूजर जनरेट करता है बेसिकली। अब आप फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर गया, गोवा गया, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप हमें कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस हमें शेयर करें, हम अपने लाइक फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे या उन पे ऐड रन करेंगे। कुछ मैं देखता हूँ कि कुछ कंपनीज एग्जीक्यूट भी करती है लाइक वहां पे रेगुलरली शेयर करते रहते हैं अपने कस्टमर की इमेजेस। इवन मैं एनलिव ट्रिप्स के साथ जैसे ट्रेवल करता रहता हूं, आप देख रहे हैं ये केदारनाथ अभी हम गए थे, तो एनलिव ट्रिप का आप इंस्टाग्राम पेज देखना, वहां पे तो सारे यूजर्स के बारे में ही अभी ये ग्रुप जा रहा है, अभी ये ग्रुप जा रहा है, तो उनकी वीडियोस पिक्स वगैरह वहां पे शेयर करते हैं। बहुत सारी कंपनीज देखता हूं कि बाली गए उनके कस्टमर घूमने, दुबई गए, यूरोप गए, मालदीव
कंट्रीज गए, तो उनके वीडियोज वहां पे जो भी शेयर कर रहे हैं उनके वीडियोज वहां पे अपलोड की और उनपे एड रन की। अब उस एड को वीडियोज को और लोग देखेंगे और वहां से फिर आपका अच्छी मार्केटिंग होगी। और एक ये बहुत जबरदस्त मार्केटिंग है और यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट का यूज करना आप सीखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। रिव्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आप अपनी सर्विसेज को अच्छा बनाओ, उसके बाद कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करो, उसके बाद कस्टमर को बोलो कि फीडबैक जो है रिव्यूज देने के लिए आप अपने गूगल माय बिजनेस पेज पे या कुछ वीडियोस बना के वो शेयर करें आपके साथ। तो इस तरीके से जब रिव्यूज आपके अच्छे होने शुरू हो जाते, क्योंकि कोई भी है रिव्यूज जरूर चेक करता है, आपकी कंपनी को सर्च किया वहां पे देखेगा कि हाँ भाई कितनी रेटिंग है, फूड कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, होटल कैसे प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी, ओवरऑल रिव्यूज कैसा है। तो यहां से क्या होगा कि जो नई नई लीड्स आ रही है उससे आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप रिव्यूज आप डलवाते हो अपने जो भी कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं उनसे रिव्यूज डलवाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस पे भी आपको फोकस करना है। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको इसमें से कोई भी मेथड की लाइक करवाना है तो आप फॉर एग्जांपल गूगल एड रन करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स है। मेरी टीम कंप्लीट गूगल एड आपकी मैनेज करेगी, एसईओ करेगी, यूट्यूब मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फेसबुक इंस्टा कंटेंट मार्केटिंग, तो ये सारी चीजों में हम डील करते हैं। बेसिकली कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स है। ये था इस वीडियो के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी वीडियोस आप जरूर देखना, इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।